हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू जीआरके वीडियो। फ्रेंड्स, फिर से एक बड़ी एप्लीकेशन आपके लिए लेके आया हूँ जो देगा फ्रेंड्स आपको 1000 से लेके 1 लाख तक का लोन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1000 से लेके 1 लाख तक का लोन आप इंस्टेंट घर बैठे बैठे ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली किसी भी तरह का सैलरी स्लिप, किसी भी तरह का इनकम प्रूफ आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पे आपको ये लोन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ही नया एप्लीकेशन है, तो यार ये वीडियो को पूरा देखिए, इसे स्किप मत कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आपने क्रेडिट भी एप्लीकेशन का नाम सुना है तो सेम एज इट इज़ क्रेडिट भी के जैसा ही ये वर्क करता है, लेकिन फ्रेंड्स ये अलग एप्लीकेशन है, क्रेडिट भी एप्लीकेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ट्रस्टेड और बढ़िया एप्लीकेशन है, एक बार इसे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आपको घर बैठे बैठे आपको 1 लाख तक का लोन यहां से जरूर मिल सकता है। चलो फ्रेंड्स, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा प्ले स्टोर पर चलते। लेकिन फ्रेंड्स सॉरी, ये प्ले स्टोर पर वर्क नहीं करता है, ये प्ले स्टोर के बाहर है। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये प्ले स्टोर पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसका लिंक मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा रिव्यू चालू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, ये वो एप्लीकेशन है क्रेडिट ZY। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 1000 से लेके 1 लाख तक का लोन मिलेगा। एज इट इज सेम फ्रेंड क्रेडिट बी के जैसा एप्लीकेशन है, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉगिन किस तरह से आपको करना है। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आपके मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक या गूगल से भी आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा लॉगिन किया है, यहाँ पे आपको आपका मेल आईडी देना है और इसे कंटिन्यू करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एज इट इज़ मेरा प्रोफाइल यहाँ पे सबमिट हो चुका है। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या लिख गया है, हाय गौरव रेवसेकर, गेट इंस्टेंट लोन फ्रॉम 1000 रुपीज़ अप टू 1 लाख रुपीज़ बाय कंप्लीटिंग योर प्रोफाइल। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ पे मुझे मेरी प्रोफाइल कंप्लीट करना है। यानी कि जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि आपको पैन कार्ड यहाँ पे डिटेल देना है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्रेडिट भी में होता था, सेम एज इट इज़ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना है। और फ्रेंड देखिए, मैं यहाँ पे गेट इंस्टेंट अप्रूवल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ डिटेल भरना होगा, जैसे कि आपका नाम, आपका लास्ट नेम। मैं इसे फिलअप करके इसे नेक्स्ट कर देता हूं फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा फ्रेंड्स। स्टेप बाय स्टेप आपको सिंपली एक आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से एप्लीकेशन में यहां पे आपको अप्लाई करना है और आप इस तरह से यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अभी सीधा यहां पे मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूं। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको यहां पे DOB और जेंडर सिलेक्ट करना है। यहां पे DOB और जेंडर सिलेक्ट करके मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूं। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है, आपका जो भी करंट एड्रेस है इसका पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। एम्प्लॉयमेंट टाइम फ्रेंड, यहाँ पे सैलरीड है तो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ यहाँ पे इसे क्लिक करके यहाँ पे बताना है कि आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसके बाद में मंथली इनकम और फैमिली मंथली इनकम। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे लिख के आया कि आपका टोटल जो फैमिली इनकम है यह आपका 15000 से ऊपर होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे पूरा डिटेल फिलअप करके नेक्स्ट कर देता हूं। इसके बाद में फ्रेंड्स आता है यहाँ पे आपको पैन डिटेल, यानी कि फ्रेंड्स आपको पैन डिटेल यहाँ पे टोटली देना है। आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके ऊपर से ही आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे डिसाइड होगी। चलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मेरा पैन नंबर डाल के इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरा पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है, पूरा डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। अभी मैं सबसे नीचे यहाँ पे क्लिक करके फ्रेंड्स सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ही मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा प्रोसेसिंग हो रहा है, जैसे कि आप जैसे मैंने सबमिट कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, वी आर असेसिंग योर लोन एलिजिबिलिटी। यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट होगी कि आपको कितना लोन मिल सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोसेस चालू है, इसे कुछ मिनटों का टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो आपको इसके लिए वेट करना होगा। तो मैं इसे यहाँ पे वेट करता हूँ और इसे ये वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मुझे 27000 रुपीज़ का लोन यहाँ पे अप्रूव हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव, यू आर एलिजिबल फॉर लोन अप टू 27000 रुपीज़। इसका मतलब फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे 20000 रुपीज़ का लोन यहाँ पे इंस्टेंट अभी मिल सकता है फ्रेंड्स। तो बहुत ही बढ़िया बात है फ्रेंड्स, कोई भी इस तरह का एप्लीकेशन काम नहीं करता यदि आप क्रेडिट बी को छोड़ देते हैं तो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ट्रस्टेड और अच्छा एप्लीकेशन है, एक बार इसे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। देखिए फ्रेंड, जैसे कि अभी यहाँ पे 20000 रुपीज़ यदि मुझे लेना है तो मेरा यहाँ पे अप्रूव्ड है। यहाँ पे मैं किसी भी टाइम मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके, यानी कि डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स आपको क्या अपलोड करना है, सिंपली पैन कार्ड और आधार कार्ड, और यहाँ पे इंस्टेंट मेरे बैंक खाते में पैसा जमा हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन और रेफरेंस कॉन्टैक्ट।
तो मैं KYC डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और इसे यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन और रेफरेंस भी यहाँ पे डिटेल भर दूंगा और इंस्टेंट फ्रेंड्स मेरे बैंक अकाउंट में पूरा पैसा जमा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये एप्लीकेशन काम करता है। अभी फिलहाल तो मैं इसे इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि मुझे 20,000 rupees की अभी नीड नहीं है फ्रेंड्स। आप लेकिन इसी तरह प्रोसेस करके यहाँ से लोन ले सकते हैं। और रही बात KYC डॉक्यूमेंट की फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, एड्रेस प्रूफ के तौर पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी आप यहाँ पे इसका फोटोकॉपी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में पैन कार्ड का फोटोकॉपी आपको यहाँ पे ये अपलोड करना है। इसके बाद में सबसे लास्ट में फ्रेंड्स आपका सेल्फी और यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे उसके बाद में चला जाएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका ऑफिस का एड्रेस, इसके बाद में आप कहाँ पे काम करते हैं, दो रेफरेंसेस फ्रेंड्स। इस तरह से इसे आपको पूरा एज इट इज फिलअप करना है और इंस्टेंट फ्रेंड फिर उसके बाद में एग्रीमेंट होगा और सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। मैं इसे नेक्स्ट प्रोसेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि मुझे 27,000 rupees की अभी नीड नहीं है। तो फ्रेंड देखिए आप ये को पूरा देख लिया है आपने तो आपको पूरा समझ में आया होगा कि किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस करना है। लेकिन फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन को यदि डाउनलोड करना है तो फ्रेंड्स मैं वो साइट का लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आप उसके ऊपर से इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यार एक लाइक कर दिया करो क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। हमेशा फ्रेंड्स ऐसे अच्छे वीडियो आपको ये चैनल पे मिलते रहेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और हमेशा चैनल के ऊपर बने रहना है। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।